न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ काविंद चौहान। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की से आ रही इस खबर के साथ, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 29 पार्षदों में से 14 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बागी पार्षदों ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने बताया कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। जो प्रस्ताव उन्होंने बोर्ड बैठक में रखे थे, उन्हें बीजेपी के पार्षदों ने कांग्रेस और बीएसपी के पार्षदों के साथ मिलकर गिरा दिया, जिससे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ है। आगे जो 8 तारीख में बोर्ड बैठक हुई थी, हमें उससे बहुत आहत हुए कि हमारे जो वार्डों के विकास कार्य थे, हमारा पूरा बोर्ड भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी के हम पार्षद और 16 पार्षद हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार भाजपा की है यहाँ, उसके बावजूद हमारे वार्डों के विकास कार्य निरस्त किए गए। तो हम इससे आहत हुए हैं कि हम अब चुनाव के मद्देनजर देखते हुए कि हम जाएंगे तो जनता से क्या वोट मांगेंगे, किस तरह से वोट मांगेंगे हम, जब हम उनके विकास कार्य नहीं करा पा रहे। और ये बड़े शर्म की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आज तक किसी ने हमारी कोई सुध नहीं ली कि भाई भारतीय जनता पार्टी के वार्डों के जो पार्षद थे उनके कार्य क्यों निरस्त कराए गए। और वो जो अपने को 22 और 24 बताते हैं, वो बसपा कांग्रेस के पार्षदों से मिलके भारतीय जनता पार्टी के वार्डों के जो कार्य थे उनको निरस्त कराया गया। गया है कि जो भी हमारे भाजपा का बोर्ड हुआ था उसमें भाजपा के पार्षदों के 16 पार्षदों के प्रसाद भाजपा के ही पार्षदों के द्वारा कांग्रेस और बसपा के साथ मिलकर गिराए गए थे, और उससे ही वो अपने बहुत आते हैं, इसलिए सामूहिक इस्तीफा भाजपा से सबने दे दिया है और बोर्ड भाजपा का खत्म हो चुका है रुड़की से। अक्सर विधानसभा में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बीएसपी के कद्दावर नेता और 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे चौधरी विजेंद्र ने अब बीएसपी को अलविदा कह दिया है और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसी को लेकर विजेंद्र चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहा चौधरी विजेंद्र ने, आप भी इसको सुनिए। आज हम बात करते हैं अक्सर विधानसभा की। अक्सर विधानसभा में बसपा पार्टी को एक बड़ा ही झटका लगा है, जो कि अक्सर के कद्दावर नेता थे, काफी लंबे समय से बसपा पार्टी में सक्रिय थे और 2 बार बसपा पार्टी से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। आज बसपा जो पार्टी के कद्दावर नेता थे चौधरी विजेंद्र सिंह, उन्होंने बसपा पार्टी को आज अलविदा किया है और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। आज बात करेंगे विजेंद्र से, क्या कारण रहा होगा या क्या वजह रहेगी जो उन्होंने बसपा पार्टी छोड़कर, जबकि 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, क्या ऐसी वजह रही है कि उन्होंने बसपा पार्टी को छोड़कर और कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या अहम वजह रही है जो आपने बसपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का साथ जो पकड़ा है और चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में क्या बसपा पार्टी को बड़ा झटका लगा है? जी विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय श्री हरीश रावत जी, जो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवाया। इसके लिए दिल से हृदय से धन्यवाद। और बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैंने 2006 से सदस्यता ग्रहण की थी और 2022 में मैं कल बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहा। इसके बहुत से कारण, सारे कारण ना बताकर मैं कुछ बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा थी वो बहन कुमारी मायावती थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की जो कार्य हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनके दिशा निर्देश पर कोई काम ना होकर जो कुछ दलाल टाइप के लोग हैं वो पार्टी को चलाने का और बेचने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी ना होकर ये खाली सिर्फ और सिर्फ टिकट वितरण में पैसे के लेन देन, ये जो सोशल इंजीनियरिंग फैक्ट था कितना बड़ा ठेला दे रहा है। अब रही बात हमारी लक्सर विधानसभा की, लक्सर विधानसभा में जो पिछले 2017 का आम विधानसभा चुनाव हुआ, तब एक प्रत्याशी, जिस प्रत्याशी का यहाँ तो कोई वास्ता को न मतलब, न सुख न दुख न सामाजिकता, वो दिल्ली से आकर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आज जो कि तो वही परिस्थिति 2017 वाली आज हाल के फिलहाल में आ गई, क्योंकि अब ये प्राइवेट और जो बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल इस प्रदेश में है,
ये उसके यहाँ इसका एग्रीमेंट हो चुका, अब खाली बहनामा बहनामा बाकी है, क्योंकि अब ये पूरी बहुजन समाज पार्टी उसकी जेल में है। तो हम बहुजन समाज पार्टी मायावती के दिशा निर्देश पर काम करने वाले कार्यकर्ता थे, न कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष के काम के करने वाले कार्यकर्ता बने। अब सिर्फ एक व्यक्ति विशेष वो बहुजन समाज पार्टी को चला रहा है, इसलिए हमने उसे बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहा, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देश पर ना चलकर सिर्फ कुछ लोगों के दिशा निर्देश पर चल रही है, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहा। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसमें सर्व समाज का सम्मान होता है, सभी धर्म और समाज के लोगों का उसमें सम्मान दिया है, उस समाज उस कांग्रेस पार्टी को हमने ज्वाइन किया। और हमारी जो राजनीतिक और सामाजिक अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, वो हम सभी जाति धर्म के लोगों में अपनी बात रखते हैं, बात सुनते हैं, और लोग हमें सम्मान देते हैं। हम किसी जाति विशेष की पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करते, तो इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और कांग्रेस पार्टी को जितना भी ताकत दी जाएगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी अंश हो। ये हमारे साथ में थे चौधरी बीरेंद्र जी, जो पहले बसपा में थे और हाल ही में उन्होंने चुनाव से की तारीख आने के साथ साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इनका काफ़ी अच्छा क्षेत्र में पकड़ भी है, और यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि बसपा छोड़ने से बसपा पार्टी को कितना नुकसान होता है और कांग्रेस पार्टी को इनके आने से कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लक्सर से प्रवीण सैनी, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। देहरादून के बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यालयों में चुनाव को लेकर कैसे चल रही है डिजिटल जीत की तैयारी, इसी को लेकर आप पार्टी से सीएम पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ने। इस दौरान क्या कुछ कहा कर्नल अजय कोठियाल ने, आप भी इसको सुनिए। जैसे कि अभी हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर गए थे तो वहां पर कहीं ना कहीं फीकी पड़ी, वहां दिखी कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है। अब हम आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद है, जहां पर जो इस बार आम आदमी पार्टी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में अब सामने आ रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की चुनावी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं और जानेंगे कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में किस तरीके का जोरों शोरों से प्रदर्शन चल रहा है। तो सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आचार संहिता लागू हो चुकी है, 14 फरवरी को अब चुनाव होंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आपकी तैयारियां चल रही हैं? कल इलेक्शन कमीशन ने 14 फरवरी की डेट डिक्लेयर करी है कि उत्तराखंड में इलेक्शन होंगे, और इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब जनता सरकार चुनती है और समय पर सरकार चुनेगी तो अपने आप ही गवर्नेंस भी अच्छी होती है, जनता की उम्मीदें भी जो होती है वो अच्छे तरीके से पूरी होती है। इस बार लेकिन एक खास बात यह है कि हमें बड़ा प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का जो ये नया वेरियंट आ रखा है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और सेकेंड वेव जब कोरोना की आई थी तो उसमें जिस तरीके से डैमेज हुआ है सोसाइटी को, वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं अवॉइड करनी है। इलेक्शन भी लेकिन साथ में होने चाहिए, तो उसका तरीका जैसे स्ट्रांगली रिकमेंड करा जा रहा है कि आज वर्चुअल तरीके से डिजिटाइज तरीके से कैंपेनिंग होनी चाहिए, मतलब कहीं भीड़ ना हो ज़्यादा, ताकि कोरोना के फैलने के जो चांसेस हैं वो ना बढ़े। और आम आदमी पार्टी की तो खासियत ये है कि वो बड़े स्ट्रांग तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग करती है और डिजिटल मेथड को बहुत यूज़ करती है। हम लोग, हमारी जो शुरुआत होती है पार्टी की, सुबह सबसे पहले हमारी एक वर्चुअल मीटिंग होती है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जी उसको कंडक्ट कराते हैं, सबसे इनपुट्स लेते हैं और उसके बेसिस पे दिन भर की क्या एक्टिविटी होगी उस पर डिस्कशन होते हैं। उसके बाद वही स्टेट लेवल पर होती है वो डिस्कशन, और उसके बाद में वो विधानसभा लेवल पर होते हैं वर्चुअल तरीके से। तो हम तो वर्चुअल तरीके से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं इसको करने के लिए। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो लास्ट ट्वीट क्या होगा जो आपका भी इस वक्त है, कि आप लास्ट ट्वीट क्या था आपका वर्चुअल माध्यम से, जिस तरीके से आप चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं, तो इसका लास्ट ट्वीट आज आपने क्या किया? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब जिस तरीके से आपकी चुनावी तैयारियां अब डिजिटल माध्यम से होंगी, तो इस चीज़ को लेकर आपका लास्ट ऐसा क्या पोस्ट रहा और ऐसा क्या चीज़ रही जो आप मुझे बताना चाहेंगे? लास्ट ट्वीट, लास्ट इंस्टाग्राम, लास्ट व्हाट्सएप में जो मैसेज है, और जो लास्ट फेसबुक में जो जा रहा है, अभी 4 मिनट पहले मैंने उसे बोला है और अभी आने वाला है, और वो यही चीज़ है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जनता को आश्वासन देगी कि डिजिटल मेथड से अपने पॉइंट्स उन तक कन्वे करेगी, और किस प्रकार से जनता की जो सोच है, जो उम्मीद है,
वो हमारे पास आए वर्चुअल तरीके से और हमारे जो डोर टू डोर कैंपेन है उसके तरीके से। अभी 2-3 मिनट में वो लास्ट, क्या मैं तो आपको फ्यूचर वाला ट्वीट बता रहा हूँ जो होने वाला है अभी। लेकिन साथ में क्या है कि जैसे हमारे पास क्या एडवांटेज हो गया है, हमने ना यहाँ पे कैंपेन चलाए, बिजली कैंपेन चलाया 300 यूनिट बिजली का, तो उसमें कोई 14.5 लाख फैमिलीज ने रजिस्ट्रेशन कराया। ये हमारे पास डिजिटाइज रजिस्ट्रेशन के जो डेटा है। फिर उसके बाद में हमने यूथ को रोजगार को जो चलाया, उसमें कोई 8.25 लाख यूथ ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। फिर महिला गारंटी स्कीम आजकल हम चला रहे हैं जिसमें कि 1,000 रुपये उनके अकाउंट में हर महीने जाएंगे, तो अभी तो शुरू हुई है लेकिन 2.25 लाख इसमें आ गए हैं। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, 2.25 लाख करीब रजिस्ट्रेशन उसमें हुए। फिर उसके बाद में उत्तराखंड के बाहर जो तीर्थ स्थान है उसमें कैसे लोगों को भेजेंगे एक तीर्थाटन जगहों को दिखाने के लिए, उसमें कोई 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं। बोलने का मतलब ये है हमारे पास डेटा है कोई 18 लाख तो है कॉमन, और अगर सारा मिला के चलें तो कोई 27 लाख के करीब डिजिटल डेटा है जिससे रेगुलरली हमारे जो कॉल सेंटर हैं वो टच में है। और वो ये प्रोसेस ना चलती जा रही है, ये आज शुरू नहीं हुई है। अब क्योंकि वर्चुअल मींस का हमें ज़्यादा रिकमेंड तरीका जो दिख रहा है, तो अब हम अपने कॉल सेंटर को और बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि ये डेटा हमारे पास है और हम लोगों के साथ टच में हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एक मीन बन चुका है लोगों के अंदर तक कैसे जाएं। दूसरा जो हम बोलते हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग, हमने क्या करा है हर विधानसभा में डिस्ट्रीब्यूशन करा है, कोई 7 या 8 मंडल बनाए हैं। उसके बाद में हर मंडल के नीचे 4 या 5 सेक्टर बना रखे हैं, हर सेक्टर के नीचे 5 या 6 बूथ हैं। ये सब डिपेंड कर रहा है कितनी पॉपुलेशन है, कितना इलाका है उसमें। अब जो बूथ है उस बूथ में 5 या 6 स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं जो घर घर में जाकर के कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है कि कैसे हम आम आदमी पार्टी के पॉइंट को, विचारों को जनता तक लेके जाएंगे और जनता उन पॉइंट्स को कैसे हमारे तक भेजेगी। और ये जो मैंने स्कीम बनाई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, इसको हमने हर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके इसमें जोड़ा हुआ है, और जो मंडल वाले हैं वो फाइनली हमारा जो यहाँ पे देहरादून में या उत्तराखंड का जो संगठन है उसका जो मेन जो सेटअप है उसके साथ जोड़ रखा है। जी सर, अगर आपकी सरकार सत्ता में आ जाती है इस बार तो जो पहाड़ की मुख्य समस्या है पलायन, उस पर आप क्या करने वाले? अगर हमने अच्छे स्कूल यहाँ पे दे दिए, अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, युवाओं को रोजगार दे दिया पहाड़ों में, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, सड़कें अच्छी कर दी, बिजली पानी प्रोवाइड कर दिया, तो पलायन तो अपने आप ही रिवर्स हो गया। पलायन के कारण ही सारे यही है। इन चीज़ों को पूरा कर देंगे तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो हम अचीव कर लेंगे, जिसे बोलेंगे रिवर्स पलायन। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है आम आदमी पार्टी कार्यालय के अंदर, कि किस तरीके से यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है। IT सेल की तरफ भी मैं चाहूँगी कि एक बार आप दिखा दें कि यहाँ का जो IT सेल है किस तरीके से काम कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर IT सेक्टर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार ट्वीट्स और जो भी आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो इसी के साथ आज की आम आदमी पार्टी का जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर लगातार काम जो है चुनाव को मद्देनजर रख जारी है। तो इसी के साथ अब मैं आपको और आगे जाके BJP कार्यालय की भी तस्वीरें दिखा दी हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर काम। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण विधायक भी हैं, लेकिन किसान विधायक स्वामी यतीश्वरानंद से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि स्वामी यतीश्वरानंद ने किसानों के गन्ना बिलों का भुगतान नहीं किया है, इसको लेकर किसान उन पर काफी भड़के हुए हैं। वहीं दूसरी ओर विधायक जी से हरिद्वार के ग्रामीण भी परेशान हैं। उनका कहना है कि मंत्री जी के कहने पर ही अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। हरिद्वार ग्रामीण 35, हमारे यहाँ BJP सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया और बेरोजगारी है। खनन में भी अपने आदमी लगा रखे हैं, किसी को सब बेरोजगार है, और फैक्ट्री में भी बाहर के आदमी हैं। और हमारे स्वामी जी विधायक जी है, इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। सड़कें टूटी पड़ी है बिल्कुल, सड़कों में भी टायर खराब हो रही है, और किसी ये हमारी गर्भवती महिला है, रास्ते में दिक्कत आती है ले जाने में, ना कोई पास में हॉस्पिटल है और नहीं पास में कुछ गाड़ी की व्यवस्था है। सड़क भी टूटी पड़ी है और हमारे खनन में भी अपने आदमी लगा रखे हैं, खनन में भी कोई काम नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो गन्ना भुगतान, क्या ये किसी भी तरह से किसान के हिस्से से नहीं है। माननीय न्यायालय ने का आदेश के बाद भी हमारे भुगतान की अवहेलना ही हो रही है लगातार। ये माननीय न्यायालय के आदेश को भी कुछ नहीं समझते। ये लोग उत्पीड़न पर उतरे हुए हैं
और किसान की हालत इन्होंने बदतर कर दी। आने वाले टाइम में किसान इन्हें जो है मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत में लगभग 80% किसान है। कहीं ना कहीं 2000 असर नहीं, बंधु मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 2022 में इन्हें मुतोड़ जवाब दिया जाएगा। और कोई भी किसान संगठन, हमारे जितने भी संगठन हैं, सबका हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि भाजपा को वोट ना देगा। आप किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, भाजपा को वोट ना देगा। खिलाफ आवाज़ उठाई, मैंने तो कहा कि मार्केट में कंप्यूटर बाबा हैं, पायलट बाबा हैं, गोल्डन बाबा हैं, नए जो बाबा हैं हरिद्वार ग्रामीण के विधायक, वो खनन बाबा हैं। खनन बाबा का हमने उनको नाम रख दिया है। आज तक उस क्षेत्र में उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जिससे वहाँ बेरोजगार को रोजगार मिल सके, किसी मरीज को इलाज मिल सके, मातृशक्ति का जो महिलाएं उनका जीवन कैसे अच्छा हो, ना ही वहाँ मनरेगा के काम हो रहे हैं, ना ही वहाँ उनके जॉब कार्ड बने हुए हैं, जाति प्रमाण पत्र, वनाधिकार, जो ST ट्राइबल क्षेत्र है, जो ट्राइब जनजाति क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, जो वनों से जिनको वन के अधिकार चाहिए, आज तक उनके वनों के अधिकार नहीं दिलाए गए। जो वन गुजर वनों में से आके बसे गए थे उनको उनके ज़मीन के अधिकार नहीं दिलाए गए। केवल और केवल ये 10 साल से वहाँ के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं और इसी पर जीतने का काम करते हैं। उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिस एजेंडे पर उन्होंने वहाँ के लोगों का कोई भला किया हो। रुड़की की पिरान कलियर सीट पर हर बार की तरह हर किसी की नजर है। इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शादाब आलम की मेहनत ने बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शादाब आलम लगातार जनता के बीच जाकर लोगों को अपनी पार्टी की रीत और नीतियों के बारे में समझाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता शहजाद राजपूत ने आपके पिरान कलियर प्रत्याशी से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा शादाब आलम ने। म्यूचुअल इंडिया की टीम इस वक्त पहुंची है विधानसभा पिरान कलियर में और हमारे साथ थे आम आदमी से प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम। आइए उनसे जानते हैं किस तरह जनता उन पर विश्वास कर रही है और आम आदमी पार्टी जिस तरह घोषणा कर रही है, क्या उस पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यहां से विजय होकर खड़े उतर पाएंगे? जी शादाब जी, कि जिस तरह जनता को अब आचार संहिता लग गई है, अब जनता के से संपर्क कैसे बनाएंगे? देखिए, जनता से संपर्क बनाने का सबसे अच्छा माध्यम तो है उनके घर पे जाना, उनसे मुलाकात करना, उनको पार्टी का प्रचार प्रसार बताना और हम क्या करने वाले हैं ये बताना। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो युवाओं को रोज़गार की है, क्योंकि युवा चेहरा हूँ तो सबसे पहले युवा वर्ग के लिए सोचूंगा। युवा वर्ग अगर अच्छा होगा तो उनके माँ बाप अच्छे से रहेंगे, माता पिता अच्छे से, आप खुद समझ सकते हैं पूरी फैमिली युवाओं पर डिपेंड होती है। तो युवाओं के लिए मैंने देखिए, स्पेशली यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, सरकारी नौकरियों में यहाँ के बच्चे नहीं जा पाते, तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ के बच्चे सरकारी नौकरियों में जाएं और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आए और प्राइवेट इंडस्ट्रियों में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लगवाई जाए, क्योंकि यहाँ पे बीटेक, MBA और बीटेक डॉक्टरेट करके यहाँ पे बच्चे खाली बैठे हुए हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी उन बच्चों को अच्छी से अच्छी नौकरियाँ प्रोवाइड कराई जाए और कोशिश करूँगा कि कम से कम एक साल के अंदर 1000 नौकरियाँ तो मैं बच्चों की लगवा सकूँ। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, पहली बार 70 की 70 विधानसभा वो चुनाव लड़ने जा रही है, तो कितनी सीटें आप निकालने जा रहे हो? देखिए, बाकी तो खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि नियत अच्छी होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पहली बार में ही 67 सीटों आने के बाद सरकार बनाई थी, आपने देखा है, तो उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अगर आप यहाँ से विधायक, जनता आपको विधायक बनाती है, तो जनता को आप क्या क्या सौगातें देने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डेवलपमेंट की, यहाँ पे ज़रूरत है रोज़गार की, यहाँ पे ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ की, यहाँ पे ज़रूरत है अच्छे कॉलेजेस की, गर्ल्स कॉलेज की स्पेशली कलियर के अंदर, यहाँ पे ज़रूरत है स्टेडियम की, यहाँ पे ज़रूरत है टूरिज़्म को बढ़ावा देने की, ज़रूरत है 5वें धाम में इस नाम को लिखवाने की, कलियर के नाम को, तो बहुत रोडवेज बस अड्डे की ज़रूरत है, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बहुत सारी सौगातें हैं जो यहाँ की ज़रूरतें हैं, उन सारी ज़रूरतों को पूरा करवाया जाएगा। ये थे हमारे साथ इंजीनियर शादाब आलम, और इनका साफ तौर पर कहना है अगर जनता इनको यहाँ से विधायक बनाती है तो यहाँ के लिए, युवाओं के लिए रोज़गार के लिए काफ़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे और सभी को रोज़गार देना काम करेंगे। शहजाद राजपूत, न्यूज़ इंडिया, रुड़की। हरिद्वार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना की तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है। वहीं इस बीच बूस्टर डोज को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं बूस्टर डोज लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिली। इसी बीच लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आए।
चमोली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जिले में कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। ये डोज हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 से ज्यादा आयु वर्ग के उन लोगों को लगेगी जो किसी बीमारी से ग्रसित हो। साथ ही दूसरी डोज के बाद 9 महीने या आपको बताएं कि 39 सप्ताह का समय पूरा हो गया हो। को समस्त जो आवश्यक दवाइयां हैं और जो भी आवश्यक सप्लाईज हैं उनका अरेंजमेंट करने के लिए उनको बोल दिया है और आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध करा दी है। साथ ही साथ हमारे जो पुलिस की टीम्स हैं, उपजिलाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि वो मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्समेंट सुनिश्चित करें ताकि कम से कम हमारे केसेज आएँ। जो हमारे केसेज आ रहे हैं पर हमारे जो अधिकांश हमारे माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक हैं और होम आइसोलेशन में हैं, स्वस्थ हैं, उन्हीं सबको हमारी जो कोविड किट्स हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं। इसमें जो हमारा ओली का जो रोपवे है, जोशीमठ ओली का, उसमें जो हमारा उसको जो रोपवे को संचालित करते हैं, 34 लोगों में 27 पॉजिटिव आए हैं, सभी हमारे होम आइसोलेशन में हैं, कोई भी गंभीर नहीं है, सभी माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक हैं, सभी को हमने दवाइयां उपलब्ध करा दी हैं। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आज जारी है और समस्त जो उनके करीबी जो उनके संपर्क में लोग हैं उनकी सैम्पलिंग की जाएगी, क्योंकि अधिकांश लोग जो चलाते हैं उनको वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो अग्रिम आदेशों तक हमने रोपवे संचालन की अनुमति हमने अपने रद्द कर दी है। वहीं ऋषिकेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर पूरे देश के साथ ऋषिकेश में भी स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर और 60 से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। राजकीय चिकित्सालय में पहले दिन बूस्टर डोज लगवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में फ्रंटलाइन वर्कर और वरिष्ठ नागरिक पहुंचे। कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराते हुए सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भारत सरकार ने कोविन वेबसाइट को अपडेट कर दिया है। जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है वो 9 महीने पूरे होने के बाद बिना किसी रजिस्ट्रेशन के तीसरी डोज अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लगवा सकते हैं। हम आज 10 तारीख से यानी आज से थर्ड डोज प्रिकॉशनरी डोज लगनी शुरू हो गई है हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60+ एज को। और ये डोज लग रही है आपकी सेकंड डोज के 9 महीने बाद से। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।